खरगोन शहर में कर्फ्यू हटने के दूसरे दिन कांग्रेस का दल गुरुवार को दंगा प्रभावितों से मिलने पहुंचा। दल में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, विजय लक्ष्मी साधो, झुमका सोलंकी, विधायक रवि जोशी शामिल रहे, जहां प्रभावितों से मुलाकात करते समय काजीपुरा इलाके के पीड़ितों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा, जहाँ गुस्साए रहवासियों ने कहा कि हमें राजनीतिक सांत्वना, राशन नहीं सुरक्षा चाहिए। घंटों दंगाई उनके घर लुटते रहे, आगजनी तोड़फोड़ करते रहे, तब तक कोई नहीं आया। अब कांग्रेस को एक माह बाद हमारी सूद आई। इस दौरान आक्रोशित लोगों को देख कांग्रेस पदाधिकारी को मौके से वापस पलटना पड़ा। सुबह 11 बजे से दौरा शुरू हुआ था, जहां दल जमींदार मोहल्ले के निवासी शुभम शुक्ला के घर पहुंचे और परिजन से मुलाकात की। वहीं मुनावारी, भटवाड़ी, संजय नगर भी पहुंचे और दंगा प्रभावितों की मदद का आश्वासन दिया। लेकिन पूरा देश तुम्हारी हकीकत जान जाएगा कि न तुम नौजवान को नौकरी दे सकते हो, न किसान दूसरी फसल का मूल्य दे सकते हो, न महंगाई पर काबू कर सकते हो। तुम मंदिर मस्जिद में मुसलमानी कांग्रेस कैसी मदद करेगी? आप जैसे आपने दौरा किया है, कमलनाथ जी को रिपोर्ट भी देंगे, कैसी मदद करेंगे? हम अपने पास से आर्थिक मदद देंगे पीड़ित बच्चों को, हिंदू या मुसलमान, हमें इससे मतलब नहीं। हम अपने पास से उनकी आर्थिक सहायता जितनी हम कर सकते हैं, सरकार में नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो अभी तक एक छोटी कोड़ी भी नहीं दी। जो दिया है मेरे क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने 10,000 रुपये भेजे, कुछ राशि हम लोग भी भेजेंगे। सरकार का कोई आदमी 1 करोड़ रुपये सरकार में बात है, 1 करोड़ रुपये की राशि कई लोगों ने बात कहा कि हमारे लिए मुर्दाबाद के नारे भी लगे अभी दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर। दिग्विजय सिंह जी के बयान तो आप लोग चलाते रहते हो, आते एक दो दिन में, मीडिया को भी अच्छा नहीं लगता जब तक दिग्विजय सिंह के बयान नहीं आए। तो ये उनके व्यक्तिगत बयान है, अब व्यक्तिगत बयान से कितनी कांग्रेस को अच्छा लगता है दिग्विजय सिंह के बयान से? अब हम उनकी पार्टी से बंधे हुए हैं, अब हम छोटे नेता उनसे बोलते नहीं सकते कि राजा साहब सावधान हो, विश्राम एक साथ हो जाओ। सज्जन सिंह वर्मा के भी मुर्दाबाद के नारे लगाए, कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अब देखिए मेरे सामने दिग्विजय सिंह के नारे लगाएंगे मुर्दाबाद के, भाई तुम मुझे ज्ञापन देने आया तो ज्ञापन दे दो। ये एक मतलब एक समझदारी का काम है, एक सामंजस्य कि हमें खबर दी कि साहब हम ज्ञापन देना चाहते, बिल्कुल मैंने तैयार है दे दो। अब उसको आप नारे लगा रहे हो दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद, यार इतनी शादी तो हमारी भी छोड़ी। आपने जैसे नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद लगाई, आज आज आपने जैसे दौरा किया, यहाँ पे सब कुछ देखा, पीड़ितों से मिले, दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी घूमे, तो आपको क्या लग रहा है दंगे का कारण क्या, मूल कारण क्या? दंगे का कारण है सोया हुआ प्रशासन, एजेंडे के तहत काम करने वाला प्रशासन, जिस जिले को, जिस शहर को सेंसिटिव घोषित किया हुआ मध्य प्रदेश में, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी 8 दिन पहले कि यहाँ पे दंगा हो सकता है त्यौहार के समय, तब आपने यहाँ की तमाम सारी फोर्स जिले में अन्य जगह भेज दी, यहाँ चंद पुलिस वाले लोग बचे थे। इतना बड़ा जुलूस इतने से चंद लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? मैं इसकी पूरी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूँ, खरगोन के दंगे की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को। मैंने पूरे दिन भर घूम कर पीड़ित लोगों के घर जाकर बात करके, हमारे वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा जी भी साथ में रहे, यानी 3-4 चीज़ें जो उभर कर आई हैं बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो ये कि जो जुलूस की परमिशन थी वो 2 बजे की थी और जुलूस 5 बजे निकाला गया, और टाइमिंग ऐसी रही कि जब जुलूस निकला 5 बजे तो लोग नमाज पढ़ के मस्जिदों से बाहर निकल रहे हैं, और कुछ लोगों ने आपस में तनाव पैदा किया और पूरे खरगोन में अफवाहें फैल गई जिन्होंने दंगा और हिंसा का रूप ले लिया। दूसरी बात कि प्रशासन को 2 बजे के बाद जुलूस निकलने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि अति संवेदनशील क्षेत्र है और दोनों समुदायों के बीच में तनाव है। दूसरा, जितने पुलिस बल की आवश्यकता थी दंगे को नियंत्रित करने के लिए उतना पुलिस बल था ही नहीं, क्योंकि भीखन गांव में एक कार्यक्रम था, कपिल मिश्रा जी आए थे, उनकी हेट स्पीच के कारण वहां बहुत सेंसिटिव वातावरण था,
अतिरिक्त पुलिस बल भीकनगांव भेजा गया था, जिससे यहाँ पुलिस बल कम पड़ गया और कम पुलिस बल होने के कारण प्रशासन की जो मनोवैज्ञानिक उपस्थिति दंगाइयों पर होनी चाहिए थी, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके माइंड पर क्रिएट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, जिसके कारण बेखौफ होकर दंगाई आपस में टकरा गए। अब कांग्रेस क्या उठाने जा रही कदम, जैसे आज आपको ढूंढे भी हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि इस पूरे दंगे के पीछे कमजोर प्रशासन, सूचना तंत्र की कमी और प्रशासन की पकड़ ढीली होने के कारण अपराधियों ने, दंगाइयों ने निर्भीक होकर यहाँ पर जो है आगजनी की, हिंसा की, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करना चाहिए। किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो जो यहाँ पर हुआ है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है। गृहमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रतिनिधि मंडल गया है वो पर्यटन के लिए गया, घूमने गया। देखिए, सरकार ही पर्यटन पर थी तब ना दंगा हुआ, सरकार ड्यूटी पर होती तो दंगा होता काय? तो खुद पर्यटन पर हैं, खुद ढीले हैं, खुद को कोई पता नहीं है। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।